फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक काफ़ी ब्यूटीफुल IEM है, SwimGuard का EW200। इसको अनबॉक्स करेंगे, कैसा फर्स्ट इंप्रेशन है, बॉक्स में क्या क्या मिलता है, कैसा लुक एंड फील है, आपसे शेयर करूंगा। बट लोगों ने चैनल पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा है कि एक सिंपल ईयरबड, जैसे देखो ये मोटोरोला का है, ये रेडमी का है, यहाँ पे आईपॉड भी है, तो इन सब बर्ड में, ईयरबड में, रेगुलर ईयरबड में और एक IEM में जो कि इन ईयर मॉनिटर है, क्या फ़र्क होता है, कैसे हम डिसाइड करें कि एक 2000 के ईयरबड में इन्वेस्ट करें या IEM, या फिर 5000 के ईयरबड में इन्वेस्ट करें या फिर 2-3000 के IEM में इन्वेस्ट करें। अगर बिल्कुल ही लेमन टर्म्स में आपको समझाऊं तो देखो, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, 500 रुपये का बफे खाने जा रहे हो आप, तो वहाँ पर क्या है कि आपको 500 रुपये में ही 50 आइटम है, कुछ सब्जियाँ हैं, कुछ दाल है, कुछ राइस है, चपाती है, वहाँ पे आपको नान मिल जाएगा, जूसेस वगैरह भी मिल जाएंगे, कुछ स्वीट आइटम भी रहेगा, काफ़ी कुछ रहता है। क्यों? टू कवर मास, कि कोई भी वहाँ पे खाने जाए तो उनको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए, वो खा करके विल बी सेटिस्फाइड कि भूख लगी थी, खाना खाया, अच्छा खाना खाया, इट इज़ फाइन। वहाँ पे किसी टेस्ट स्पेसिफिक को प्रेफरेंस नहीं है, अगर किसी एक टेस्ट को प्रेफरेंस देंगे तो बाकी लोग शायद ना आए। ईयरबड जो है वो ऐसे ही डिज़ाइन करा जाता है कि ये मास को कैटर करे, ना कि स्पेसिफिक सेगमेंट को, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम सेइंग। नाउ ईयरबड्स में जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे, क्वालिटी ऑफ दिस बफे विल गो अप। दूसरा कैटेगरी है, आप देखो अलाकार्टे, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप क्या करते हो, अलाकार्टे का मतलब है आप स्पेसिफिक फूड ऑर्डर करते हो आपके प्रेफरेंस एंड आपके चॉइस के हिसाब से। आपको पिज़्ज़ा पसंद है तो आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाओगे जहाँ पे अच्छा पिज़्ज़ा मिल रहा हो, उसमें भी आप चूज़ करोगे कि बेस क्या हो, उसमें भी आप चूज़ करोगे कि टॉपिंग क्या हो। फिर अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो किसी अच्छे नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाओगे जहाँ पे कि आप रिसर्च करोगे, थोड़ा पता करोगे कि कहाँ क्या अच्छा मिलता है, आपका क्या टेस्ट है, उसके हिसाब से आप ऑर्डर करते हो। तो उसी 500 रुपये में वहाँ 50 आइटम मिल रहा था, उस 500 रुपये में अब आपको 3-4 आइटम मिलेगा, 5 आइटम मिलेगा, जो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ करते हो। तो क्लोज टू दैट, जस्ट टू एक्सप्लेन लेमैन टर्म्स में, IEM भी वैसा ही है, जिसमें आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ करते हो। जैसे आपको ज़्यादा बेस पसंद है तो IEM डेडिकेटेड मिलते हैं जो कि बेस हेड को कैटर करते हैं। अगर आपको ज़्यादा ट्रेबल्स वगैरह पसंद है तो वी शेप वगैरह हो गया, यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा ट्रेबल रिफाइन वाले IEMs होते हैं, वो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वोकल पसंद है, ज़्यादा वोकल सुनते हो, एंड यू नो दैट आपको कैसा म्यूज़िक पसंद है, उसके हिसाब से सिंपल है। अलाकार्टे में आपको पसंद होना चाहिए कि आपको कैसा फूड पसंद है, तभी तो ऑर्डर कर पाओगे अपनी चॉइस का। मेन्यू में तो हज़ारें चीज़ रहेंगी, तो एक थोड़ा सा टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है टू फाइंड आउट कि आपका प्रेफर्ड चॉइस क्या है। तो कभी भी जब आप IEM ढूंढ रहे हो तो इस चीज़ को मत देखना कि सामने वाला क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कि ये बुरा है या अच्छा है। जैसे मैं अगर बोलूँ आपको कि ये EW200 काफ़ी अच्छा IEM है, ये इसमें ऐसा है वैसा है, इसका बढ़िया परफॉर्मेंस है, इट्स फाइन, एक तरह से मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट देन अनलेस आपको पता है कि आपको पिज़्ज़ा खाना है या फिर आपको नॉनवेज खाना है या फिर आप पास्ता खाना है या फिर आप कॉन्टिनेंटल खाना है, हाउ डू यू डिसाइड कि मुझे क्या पसंद है, या हाउ डू यू गो इस बात पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अंशुमन ने बोला है दिस इज़ गुड तो ये ख़रीद लो, ऐसा नहीं है IEM। IEM में थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। आप पहले जो आपके पास है ऑलरेडी उसको सुनो कि किस तरह के वोकल्स आप सुन रहे हो, किस तरह के गाने आप सुन रहे हो, उसमें आपको क्या पसंद आ रहा है। अगर आप दिन में 50 गाने सुनते हो तो हो सकता है 40 गाने आप एक टाइप के सुन रहे हो और जो बाकी 10 गाने वो ऐसे भी स्किप मार रहे हो क्योंकि वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। आउट ए गुड IEM फॉर यू इज़ फाइंडिंग आउट गुड म्यूज़िक फॉर योरसेल्फ, विच इज़ टफ, नॉट ईजी। अगर आपने म्यूज़िक ढूंढना है अपने पसंद का, इट टेक्स टाइम, आपको गैलरी बनाना पड़ेगा, आपको लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा अपने पसंद का, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट म्यूज़िक पे। समटाइम्स यू विल फाइंड सम सॉन्ग, सम म्यूज़िक जो आपने कभी सुना नहीं, जो आपको अलग ही एक्सपीरियंस लेके आता है लाइफ में, एंड देन यू विल रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोरिंग जिसको हम बोलते हैं। तो वो चीज़ ज़रूर करना बिफोर डिसाइडिंग IEM। दोस्तों, नेक्स्ट जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज़ अबाउट साउंड स्टेज। तो अगेन, आपको अगर मैं बेसिक लेमैन टर्म्स में समझाऊँ तो देखो, ये एक रूम है, यहाँ पे इतने बड़े रूम में अगर मैं 10 इक्विपमेंट को रखूँ या 10 चीज़ को रखूँ तो आप उसको क्लियरली देख पाओगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कौन सा सब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, उसकी क्या ब्यूटी है, क्या क्लैरिटी है, क्या डिटेल है। अब अगर इसी रूम में मैं 50 चीज़ें रख दूँ या 50 इंस्ट्रूमेंट रख दूँ
तो फिर वो क्लटर होने लगेगा, एक दूसरे से मिक्स होने लगेगा, आपको अच्छे से डिटेल नहीं समझ में आएगा कि कौन सा कैसा दिख रहा है, एक दूसरे के आगे पीछे भी दिखने लगेगा, जगह नहीं है इस रूम में उतनी। तो क्या करना होगा हमें, रूम अगर हम बड़ा कर दें, मतलब अगर हम साउंड स्टेज बड़ा करें, तो फिर रूम बड़ा होने के चलते अगेन वो 50 चीज़ें आपको क्लियरली दिखेंगी, उनका डिटेल ब्यूटी, और आपको अच्छे से वो समझ में आएगा कि किसका कैसा परफॉर्मेंस है म्यूज़िक के टर्म्स में। तो म्यूज़िक इक्विपमेंट अगर बड़े साउंड स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, सो वो क्लैरिटी, वो डिटेल्स कौन से आयाम में मिलेगा अगर आप उस तरह के गाने सुनते हो, वो सारा मैं आपसे इस चैनल पे शेयर करूंगा। ये नहीं शेयर करूंगा कि ये आईएम अच्छा है या आईएम बुरा है, दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ चूजिंग एन आईएम। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, सिमगॉट EW200। ये रहा हमारा बॉक्स, में पीछे एक आपको कर्व मिलता है जो टारगेट कर्व जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड, यहाँ पे क्लासिक टारगेट कर्व है। इसके अलावा यहाँ पे 2-pin का स्ट्रक्चर है, ऑल मेटल शेल मिल जाता है आपको, इतना कॉम्प्लेक्स है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, इधर है, ऐसा ओपन होगा, ओके ये शाबाश, वेरी नाइस, यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन, इसमें आपको उसका जो होलोग्राम है वो दिखता है, इस तरह का आपको आईएम है, साइड में रखते हैं। कुछ बुक बुक है, इसको पढ़ना हो तो पढ़िए, पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है तो साइड में रख दीजिए। बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति। 3.5mm का जैक है। नाउ आई जनरली प्रिफर 3.5mm का जैक, जिसको मैं इस तरह के डैक के साथ यूज करता हूँ, डैक लगा के देन दिस सी टाइप पोर्ट गोज इनटू माय फोन। डैक का पर्पस होता है, ये डैक प्लस एम्पलीफिकेशन है, जो फोन में आपका डैक मिलता है वो उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, दैट इज़ वाई एक्सटर्नल डैक इज गुड टू हैव, बट आप सी टाइप पोर्ट वाले भी डायरेक्ट जो मिलते हैं आईएम वो भी मिलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो फोन के साथ डायरेक्टली, वहाँ पे भी एक चिप इनबिल्ट होता है फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल टू एनालॉग, सो दैट इज़ समथिंग यू कैन ट्राई। यहाँ पे माइक्रोफोन नहीं है, बट काफ़ी सारे आईएम्स में आपको माइक्रोफोन मिल जाते हैं, यहाँ पे ये विदाउट माइक्रोफोन का है, मैं इसको डेडिकेटेड यूज़ करूँगा म्यूज़िक के लिए, बट अगर आपका काम मल्टीपल है, लाइक आप कॉल भी लेना चाह रहे हो, बात भी करना चाह रहे हो, म्यूज़िक भी सुनना चाह रहे हो, तो आप माइक्रोफोन वाले ऑप्शन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बैग या ईयर टिप्स होना चाहिए, यस। तो ये रहे हमारे पास कुछ ईयर टिप्स। नाउ ईयर टिप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन टर्म्स ऑफ आईएम के साउंड क्वालिटी का परफॉर्मेंस। नाउ ये रहा हमारा ब्यूटीफुल आईएम ट्रैक्ट, आप देख सकते हो मेटल है, फिनिश इसका काफ़ी अच्छा है एंड लुक्स लाइक ग्रेट क्वालिटी। यहाँ पे वायर में आपको इस तरह का एक व्हाट यू कॉल इट स्ट्रैप भी दिया हुआ है, बट दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, बट डिटेल्स का ध्यान रखा गया है, सो आई लव इट। यहाँ पे राइट और लेफ्ट भी मैंशन है, बहुत सारे आईएम में नहीं रहता है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू पुट इट, सो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। नाउ पुटिंग दिस पिन इज़ द रियली डेलिकेट पार्ट, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स आप मत यूज़ करना, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, आप या तो एडजस्ट करो थोड़ा सा एंड देन ट्राई इट अगेन, बट डोंट पुट टू मच प्रेशर, अदरवाइज आपका ये बेंड हो जाएगा। बट कुछ सॉन्ग मैंने जस्ट अभी सुना है, इनिशियल लुक्स ग्रेट, काफ़ी अच्छा पंची बेस है, साउंड क्लैरिटी, साउंड स्टेज वगैरह मुझे अच्छा लग रहा है, फाइन है, डिटेल्स आर कमिंग वेल, बट आई नीड टू पुट सम टाइम, और डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स सुन करके कुछ आईएम से कंपेयर करके मैं आपको डिटेल रिव्यूज़ का शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, यहाँ पे मैं इस तरह के काफ़ी सारे आपसे रिव्यू शेयर करता हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड सी यू सून।